ये सारी मिठाई हमने बना ली है, तो इसको हमने पेड़े का शेप दिया। आप इसे लड्डू का शेप, कोई भी शेप दे सकती हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं एक तो, ये देखिए ये केवल दो चीज़ों से मिठाई बन के तैयार हो गई है। तो आप इसे रक्षाबंधन में अपने भाइयों के लिए बना सकती हैं। ये काफ़ी टेस्टी बनती है, देखिए बहुत आसानी से बन भी गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसे बनाने में। ये देखिए, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, काव्य किचन में आपका स्वागत है। आज हम मिठाई बनाएंगे तो सिर्फ दो चीज़ों से, तो ये है पनीर और चीनी। तो उसके लिए देखिए, ये हमने पनीर लिया था, होममेड पनीर है, इसे हमने घर पे ही बनाया। और ये पाउडर शुगर है, और ये पिस्ता, और ये इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हमें पनीर है, तो इसको हम तोड़ करके, देखिए इसको हम मिक्सी में डाल के, हाथ से हमने थोड़ा थोड़ा बड़ा उसमें था तो थोड़ा तोड़ दिया है। एकदम ये ताज़ी पनीर है, तो इसको हम मिक्सी में हल्का सा पीस लेंगे ताकि ये अच्छा सा चिकना सा हो जाए। ये देखिए, ये पनीर हमने इसमें मिक्सी में अच्छे से चला लिए, तो काफ़ी ये सॉफ्ट हो गए, तो इसको हम निकाल ले रहे हैं बाहर। ये देखिए, ये पनीर हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, तो इसमें हमने ये पाउडर शुगर लिया, तो इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो काफ़ी, देखिए चीनी ने पानी छोड़ दिया, तो काफ़ी गीला हो गया। तो इसमें हमने इलायची पाउडर भी मिक्स कर दिया है साथ में, तो अब हम इसको पकाएंगे। तो देखिए, उसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, तो इसमें हम ये जो हमने ये पनीर का मिक्सचर बनाया है, पनीर और चीनी का मिक्स करके, इसको इसमें हम डाल देंगे। इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, और इसे हमें मोटे तली की कढ़ाई लेनी है, नहीं तो चिपकने लगता है। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये सूखा होने लगा है। अभी ये हमें जब तक भूनना है, जब तक कि ये घी नहीं छोड़ दे रहा है, तब तक हमें भून लेना है इससे अच्छे से। तो हमें लगातार, देखिए हम चला रहे हैं, तो ये देखिए इसने साइड से घी छोड़ दिया है, और इसका कलर भी देखिए चेंज होने लगा है। तो इसे अब हम थोड़ा ही और भूनेंगे। देखिए अच्छे से भून गया है ये, और बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा है। देखिए घी भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया। देखिए एक दो टाइप में बन गया है, एकदम अच्छा सा भून गया है ये। तो अब हम इसको गैस की फ्लेम ऑफ कर रहे हैं, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए, इसको हमने थाली में निकाल लिया है, इसमें हमने कुछ भी ग्रीस वगैरह नहीं किया है, देखिए चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी ये। तो इसको हम अब रख देंगे, अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो हम इसकी मिठाई तैयार करेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, हल्का सा गुनगुना है ये। इसके हम इस टाइप से पेड़े तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसे कोई भी शेप में कर सकती, इसकी बर्फ़ी भी आप काट सकती हैं। हल्का सा गर्म है अभी ये, तो हम ऐसे हाथ में लेके इसको गोल कर लेंगे। ये देखिए, हल्का सा हाथ से हम चपटा करेंगे। ये देखिए, हल्का सा हम अंगूठे से यूँ ऐसे दबा देंगे। और ये हमने पिस्ता कट किया है, तो इस टाइप से हम पिस्ता लगा लेंगे। देखिए, तो इस टाइप से हम सारी ये मिठाई बना ले रहे हैं। तो इसी टाइप, देखिए हम दूसरा बना के दिखा रहे हैं आपको, ये अभी गर्म है थोड़ा गुन। ये देखिए, तो सारे ये हमने छेने के पेड़, हमने इसको इसका पेड़े का शेप दिया। आप इसे लड्डू बना सकती हैं, कोई भी शेप दे सकती हैं। तो देखिए हम हल्का हल्का गोल कर लेंगे, और ये हाथ से हल्का सा ब्रश करेंगे। अभी ये थोड़ा गर्म है, अभी जैसे ठंडा होगा वैसे से। और ये सारी मिठाई हमने बना ली है, तो इसको हमने पेड़े का शेप दिया। आप इसे लड्डू का शेप, कोई भी शेप दे सकती हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं एक तो, ये देखिए ये काफ़ी टेस्टी बनती है। ये देखिए, ये केवल दो चीज़ों से मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो आप इसे रक्षाबंधन में अपने भाइयों के लिए बना सकती हैं। ये काफ़ी टेस्टी बनती है, देखिए बहुत आसानी से बन भी गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसे बनाने में। ये देखिए, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।